सीताफल या उसकी डेजर्ट सबको बहुत पसंद आती है, पर इसका टफेस्ट पार्ट रहता है ये सीड्स निकालना। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये सीड्स कैसे निकालें फटाफट। उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें। चलिए स्टार्ट करेंगे। सीताफल लेंगे, उसे इस तरह से खोल के उसमें से पल्प निकालना है। तो सीड्स पूरा पल्प निकाल लेंगे हम लोग एक बाउल में। इसी तरह से मैंने सब सीताफल में से पल्प निकाल लिया है। अभी सीड्स अलग करने के लिए हम लोग ये ब्लेंड ब्लेड यूज करेंगे। फूड प्रोसेसर के जार में पूरा पल्प डालना है, ढक्कन लगा के इसे हम लोग फूड प्रोसेसर पे चर्न करेंगे। थोड़ी थोड़ी इंटरवल्स पे चर्न करना है, कंटिन्यूस नहीं घुमाना है। सीताफल अगर ड्राई है तो उसमें एक दो चम्मच दूध का डालें। देखिए इस तरह से सीड इसमें से अलग होते जाएंगे। अगर सीताफल अच्छे से पके हुए हैं तो दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए इस तरह से मैंने सब सीताफल जो है चर्न कर लिए हैं और ये अलग हो चुके हैं। अभी ये पल्प और सीड्स को अलग करने के लिए छन्नी का इस्तेमाल करेंगे। नीचे से बाउल रखेंगे, लिक्विड पार्ट जो है बाउल में जमा होता जाएगा और ऊपर से हम लोग सीड्स अलग कर लेंगे। इस तरह से सब सीड्स निकालने हैं। बहुत ही इजी है, एक दो मिनट में ये सब सीड्स अलग हो जाते हैं और हमें प्योर पल्प मिलेगा जो आप आइसक्रीम्स में, डेजर्ट्स में यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे फ्रीज करके स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत आसान है। इस तरह से फूड प्रोसेसर यूज करके आप पूरे सीड्स अलग कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।